सो हेलो दोस्तों, ये है हमारा क्लास 9 मैथ्स का क्वेश्चन। और क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। दो इक्वेशन दी हुई है, दोनों लाइन की इक्वेशन है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एक इक्वेशन हो गई, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूँ। और दूसरी इक्वेशन हो गई 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, ये सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर दो रूल आपको फॉलो करने हैं। पहला ये रूल है कि यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल है, एक x है एक y है, एक x है एक y है, ठीक है। ये देखो x, ये y, तो या तो x के साथ जो नंबर आ रहा है जिसको कोएफिशिएंट कहते हैं वो सेम होना चाहिए, या तो y के साथ जो नंबर आ रहे हैं वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ y के साथ कुछ नहीं है मतलब 1। आप x का कोएफिशिएंट देखोगे तो 1 और 2 है, सेम नहीं है। y का कोएफिशिएंट देखोगे 1 और 5 है, वो भी सेम नहीं है। तो कोई भी, या तो x का कोएफिशिएंट या तो y का कोएफिशिएंट, कोई भी एक सेम करो, आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे y का सेम करूँगा, क्यों वो आगे पता चलेगा। y का कैसे सेम करूँगा, आपके पास 5 है 1 है, तो छोटे वाले को बड़े की तरह बनाना है, 1 को 5 की तरह बनाना है। तो आप 1 में 1 को कौन से नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 बनेगा, 1 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 बनेगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो। अगर मैथ्स में कुछ चेंज लाना होता है ना तो सिर्फ वो उस टर्म को नहीं करते हैं, पूरी इक्वेशन को करते हैं। अब 1x को मल्टीप्लाई करूँगा 5 से तो 5x हो जाएगा, बीच में ये प्लस 1y को मल्टीप्लाई करूँगा 5 से तो 5y हो जाएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 हो जाएगा। ये पहली इक्वेशन आपकी चेंज हो गई, 5 गुना हो गई मतलब। दूसरी वैल्यू वैसे के वैसे रखो। अब आप अगर देखोगे तो y के जो कोएफिशिएंट है वो दोनों सेम हो गए, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, तो पहला रूल तो हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा रूल समझ लो। दूसरा रूल ये है कि जो सेम हो गया है, जो कोएफिशिएंट सेम हो गया है, उनकी साइन अलग अलग होना चाहिए। यहाँ देखो 5 की साइन क्या है, प्लस। यहाँ देखो 5 की साइन क्या है, माइनस। ऑलरेडी अलग अलग है तो अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले से जो चाहिए वो था हमको, वो मिल गया, इसलिए मैंने y को करा था यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्योंकि इनकी साइन ऑलरेडी अलग अलग है। तो जब अलग अलग होता है तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, ये कट कर दो। सेम नंबर और साइन अलग अलग तो कट कर दो। अब ये बचा 5 2, दोनों प्लस प्लस में, 5 प्लस 2 7x, 20 प्लस 1 21, तो आपके पास बच रहा है 7x इज इक्वल टू 21। अब x के साथ जो नंबर है दोनों तरफ उस नंबर से डिवाइड कर दो, 7 7 कैंसिल, आपके पास बचा x, 7 1 7 3, तो आपके पास बचा है 3/1 मतलब 3। 3/1 को 3 लिखना है, 1 नहीं भी लिखे डिनोमिनेटर में तो चलता है वो। तो x की वैल्यू आ गई 3, x निकल गया। अब निकालना है y, ऊपर वाला इक्वेशन ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, चाहे 1x प्लस 1y लिखो या x प्लस y लिखो, सेम मतलब आएगा। x प्लस y इज इक्वल टू 4, जहाँ पे x की वैल्यू हमको पता है 3 है, तो x की जगह पे हम 3 रख देंगे, ठीक है। अब मुझे y निकालना है तो ये 3 को हटाना पड़ेगा, तो इसको मैं ये साइड लेकर चला जाऊँगा। यहाँ पर उसकी साइन कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो उधर जाके क्या हो जाएंगी, माइनस। यहाँ पे बच रहा है y, 4, y और 4 वैसे का वैसा, प्लस 3 इधर आके क्या हो रहा है, माइनस। 4 माइनस 3 कितना होगा, 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1, और x की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो x कॉमा y आपको मिल रहा है 3 कॉमा 1।